नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के 36वें मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब ने एक बेहद रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत हासिल की। आपको बता दें, ये रोमांचक मुकाबला दुबई में खेला गया। मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच हुए इस मैच में दो दो सुपर ओवर देखने को मिले। आईपीएल इतिहास में दूसरी बार सुपर ओवर टाई हुआ। दूसरे सुपर ओवर में पंजाब ने मुंबई को हरा दिया। पहले सुपर ओवर में दोनों टीमों ने 5-5 रन बनाए, वहीं दूसरे में मुंबई को पंजाब ने 12 रनों का लक्ष्य दिया था। क्रिस गेल के छक्के और मयंक अग्रवाल के चौके की बदौलत पंजाब ने एक शानदार जीत दर्ज की। इस वीडियो में हम आपको सुपर ओवर के पूरे रोमांच को बताएंगे। जी हाँ, इस मुकाबले में मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बनाए थे, वहीं किंग्स इलेवन पंजाब भी 176 रन ही बना सकी थी। पहले सुपर ओवर में मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में कमाल की गेंदबाजी की। केएल राहुल और निकोलस पूरन उनके सामने सिर्फ 5 रन बना सके। उन्होंने यॉर्कर्स की जैसे बारिश ही कर दी थी। एक तरीके से लग रहा था कि बुमराह ने मुंबई को एक जीत दिला दी है, क्योंकि मुंबई के बल्लेबाज आसानी से 6 रन सुपर ओवर में बना देंगे। वहीं लक्ष्य का पीछा करने के लिए रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक आए। वहीं पंजाब की तरफ से गेंदबाजी संभाली मोहम्मद शमी ने। मोहम्मद शमी ने तो जसप्रीत बुमराह के ओवर को भी जैसे फीका कर दिया और शानदार यॉर्कर्स की झड़ी लगा दी और दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ 5 रन बनाने दिया। आखिरी गेंद पर केएल राहुल की एक शानदार रनआउट की बदौलत 2 रन नहीं हो पाया और मुंबई सिर्फ 5 रन बना सकी और पहला सुपर ओवर भी टाई हो गया। नियम के मुताबिक जो बल्लेबाज एक बार सुपर ओवर में खेल चुका है और जो गेंदबाज सुपर ओवर में गेंदबाजी कर चुका है, वो दोबारा सुपर ओवर में गेंदबाजी या बल्लेबाजी नहीं कर सकता था। इस वजह से पंजाब के लिए गेंदबाजी करने आए क्रिस जॉर्डन, वहीं मुंबई के लिए बल्लेबाजी करने आए पोलार्ड और हार्दिक पांड्या। जॉर्डन ने इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन तीसरे गेंद पर पोलार्ड ने चौका लगा दिया। आखिरी गेंद पर एक तरीके से छक्का हो सकता था, लेकिन मयंक अग्रवाल ने बाउंड्री के बाहर जाकर गेंद को अंदर फेंक दिया और जो छक्के के लिए गेंद बाहर जा रही थी वो सिर्फ 2 रन दे दिया। इस तरीके से मुंबई ने दूसरे पावर प्ले में 11 रन बनाया और किंग्स इलेवन पंजाब को 12 रनों का लक्ष्य मिला। इस बार पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी करने आए क्रिस गेल और मयंक अग्रवाल और मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट की पहली गेंद पर क्रिस गेल ने बड़ा छक्का लगाया और इसके बाद 1 रन लेकर स्ट्राइक मयंक अग्रवाल को दे दी। मयंक अग्रवाल ने लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर पंजाब को एक शानदार जीत दिला दी। इस तरीके से डबल सुपर ओवर में किंग्स इलेवन पंजाब ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया और इस सीजन के अपने दूसरे पॉइंट्स हासिल कर लिए। जी हाँ, किंग्स इलेवन पंजाब अब सबसे निचले पायदान पर नहीं रही। किंग्स इलेवन पंजाब 9 मैचों में 3 जीत वहीं 6 हार के बाद 6 पॉइंट्स के साथ अब 6ठे स्थान पर आ गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।